बच्चों क्वेश्चन नंबर 208 में कहता है कि कोई अननोन एल्कीन है ए, जो कि चारों ऑप्शन में दिख रहा है, कहता है रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, मतलब इसका हाइड्रोजनेशन करना है प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो कहता है कि 1-isopropyl-4-methylcyclohexane का फॉर्मेशन होगा। तो 1-isopropyl मतलब ये, और फिर 4-methyl मतलब ये, इसका फॉर्मेशन होगा। अब कहता है कि सो इन चारों में से कौन सा ही होगा। और एक बात और बोला है बच्चों, कहता है व्हेन अननोन एल्कीन, मतलब जो ए आंसर होने वाला है उसका, जब ओजोनाइट इज ओजोनाइट एंड रिड्यूस, बोले तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये सब मिलता है। तो देखिए ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो तो केवल उलझाने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब पता है? इसलिए क्योंकि 3 मोल H2Pt, बोले तो हाइड्रोजनेशन जब आप करोगे 3 मोल, तो बच्चों देखो सभी के सभी एल्कीन में तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल करना है। तो जब डबल बॉन्ड को हटा करके सिंगल करोगे ना आप इन सब में, तो सब में आपको यही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अब हमें आंसर की ओर बढ़ने के लिए हमें लास्ट वाले लाइन में चलना होगा। लास्ट वाले लाइन में कहता है कि ए कंपाउंड वही होगा जिसका रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करने पर, ओजोनाइज्ड एंड रिड्यूस, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करने पर ये सब मिलेगा। बच्चों रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में क्या होता है आपको पता ही है, डबल बॉन्ड को इसमें काटा जाता है, और डबल बॉन्ड को काट करके और ऑक्सीजन जोड़े जाते हैं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो बच्चों यहाँ पर टर्मिनल पर देखो एक CH2 है, जैसे ही हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखो जो तीन प्रोडक्ट दिखाए गए ना, उसमें से एक CH2 डबल बॉन्ड O वाला भी प्रोडक्ट अपने को चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ए आंसर हो सकता है। दूसरे वाले में भी बच्चों देखो यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ से भी CH2 डबल बॉन्ड O आएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। क्यों? आंसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। टर्मिनल पर डबल बॉन्ड होगा तभी रिडक्टिव ओजोनलाइसिस से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि देखो यहाँ पर CH2 CH2 दो जगह है टर्मिनल, तो इसका मतलब 2 मोल तो बच्चों आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, जबकि यहाँ पर तीनों एल्डिहाइड कीटोन जो है अलग अलग है। तो डी भी आंसर इसका नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब आंसर इसका होने वाला है फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक। चलो तो शुरू करते हैं। ये मैंने अभी एक गेस किया, अभी फाइनल आंसर नहीं बताया है मैंने, अभी हमने एक गेस किया है। तो बच्चों पहले से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले में बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से इस बॉन्ड को कट कर देंगे, जहां भी डबल बॉन्ड है सब कट हो जाएंगे। ये देखो कट कर दिया हमने। अब जैसे ही कट किया बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। यहाँ पर टर्मिनल में बच्चों CH3 है, तो सबसे पहले आप लिखो CH3, लिख दिया। फिर उसके बगल में कार्बन था ये वाला, तो कार्बन लिख दो। वहाँ बॉन्ड था एक, तो बॉन्ड को काट करके ऑक्सीजन जोड़ दो। एल्डिहाइड कीटोन ही बनता है बच्चों। फिर उसके बाद आगे फिर एक कार्बन है, वहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, लगा दिया। फिर हम बच्चों इधर चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो CH2 CH2 है, तो बच्चों यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O, और फिर बच्चों CH3। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट हमें दिख नहीं रहा है दूर दूर तक, तो इसका मतलब ये इसका आंसर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब 100% इसका आंसर क्या है, बी है। वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर टर्मिनल में CH2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और यहाँ से लिखते जाना है। देखो एक तो CH2 डबल बॉन्ड O बनेगा ही बनेगा, ये तो बन ही गया। अब यहाँ से हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी बॉन्ड को काटेंगे, यहाँ भी बॉन्ड को काटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर उसके बाद बच्चों फिर से कार्बन है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों C डबल बॉन्ड O यहाँ भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में भी एक डबल बॉन्ड था। अब बच्चों हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना।
फिर देखो यहाँ पर CH2 है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद इस कार्बन में पहुँचो बच्चों, तो इस कार्बन में हम पहुँचे तो CH डबल बॉन्ड O हो गया। अब अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो ये है, बीच वाला। अच्छा, अब इधर भी तो कुछ छूट गया था, जरा उसको भी देख ले। यहाँ शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ पर देखो टर्मिनल में बच्चों एक CHO पहले लगा दिया, फिर उसके बाद देखो CH2 लगा दिया, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O लगा दिया, वो भी लगा दिया, फिर उसके बाद CH3 लगा दिया। तो CH3 CO CH2 CHO, तो ये भी प्रोडक्ट मिल गया ना। फिर उसके बाद बच्चों और फॉर्मल्डिहाइड तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा था, और मैंने गेस भी किया था कि इसका B आंसर होगा। अब ऐसे ही आपकी इच्छा है तो सी भी चेक कर सकते हो, यहाँ से इसको काट देना, इसको भी काट देना, इसको भी काट देना बच्चों। तो जैसे ऊपर वाला काटोगे तो ऊपर वाले में बच्चों आपको एसीटोन मिलेगा, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, खत्म हो गया यहीं पर खेल। इसमें बच्चों जब आप यहाँ से कट करोगे यहाँ से, तो दो फॉर्मल्डिहाइड तो मिलेंगे ना, दो फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे। देखो मैं लिख के बताता हूँ, दो फॉर्मल्डिहाइड मिल गया यहाँ से। चलो आप यहाँ से तो सबसे पहले CH3, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचे तो यहाँ हो गया CH, फिर उसके बाद एक तरफ जाओगे तो CHO, फिर इधर भी जाना पड़ेगा ना यहीं से, तो यहाँ से बच्चों CH2, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद बच्चों C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद CHO। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जो कि है ही नहीं, तो ये तो होना ही नहीं। मैंने इसलिए करके बता दिया कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर B होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में अच्छे से आ गया होगा।